हेलो गाइस, माय नेम इज वैभव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव विस्तार से। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं कानपुर से नोएडा की अपनी बहुत टायरिंग जर्नी कंप्लीट करके नोएडा के होटल में चेक इन कर लिया था। अब आज सुबह सुबह मैं गया डी कैथलॉन सबसे पहले और ग्लव्स लेके आया हूँ। मेरे साथ है राघव, मेरा फेलो राइडर, जिसको आप लास्ट व्लॉग में भी मिले थे। आज हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे श्रीनगर की ओर। कोई भी होटल बुक नहीं है, कोई डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं है, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ पर आपका भाई होटल बुक कर लेगा। जस्ट गो विद द फ्लो। हाँ एग्जैक्टली। आज शाम 6:30-7 बजे तक का राइड करने का प्लान है, जो कि ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाता है, 9 बजे जाता कहीं पे भी पहुंच के। जैसा भी है आपको पूरी जर्नी में इस व्लॉग में दिखाऊंगा। सोचा कुछ ऐसा है प्लान ऑफ एक्शन कि थोड़ा सा लेट हो गया है, ठंडे में निकले हैं तो पानीपत पे रुक जाएंगे और पानीपत पे ही स्टॉप लेंगे। 100 किलोमीटर लगभग है। शाम का टाइम शुरू हो चुका है, बज रहे हैं अभी घड़ी में 5 और हल्की हल्की धूप है, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। मैश है जैकेट में तो हवा अंदर आ रही है, गो थ्रू कर रही है हवा, एंड ऐसा कुछ व्यू है। पानीपत के रास्ते में जाते हुए भाई इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है बीच रोड में। आई थिंक यहाँ पे रोड चौड़ी हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है और पूरा लाल लाल पड़ा है गूगल मैप भी। थोड़ा सा इरिटेशन होने लगती है जाम में, क्योंकि गर्मी लगने लगती है। चीज़ मुझे और ध्यान रखनी पड़ती है वो है सैडल बैग्स, क्योंकि सैडल बैग्स निकले हुए हैं बहुत बार, मालूम चला मैं तो निकल गया कहीं कटांग कटा के, सैडल बैग्स रह गए पीछे। मेरा आज बर्थडे है तो ऑन द गो ट्रैवलिंग करते वक्त बर्थडे मनाना, मैं तो खुद को बहुत लकी मानता हूँ ये हो रहा है, क्योंकि मुझे और अपनी ड्रीम राइड पे बर्थडे मन रहा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पानीपत के रास्ते में जाते हुए पड़ता है मूर्थल। मूर्थल में मैं इतना ज़्यादा ट्रैफिक, इतना ज़्यादा जाम मिला है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से रोड्स को नैरो कर दिया गया है और उस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है पूरा पंजाब जाने वाला, तो बहुत ही ज़्यादा जाम था। लेकिन किसी तरह धीमे 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 करके पहुँच गए आगे, फिर लग गया भूख तो मूर्थल पर रुके थे गोल्डन हट पर। यहाँ पर अभी जस्ट खाना पीना खाया है, ख़त्म किया है, पेट पूरा फुल है। अब राइड कंटिन्यू करनी है पानीपत की ओर। टारगेट तो कुछ ऐसा अभी सेट नहीं है, होटल भी बुक नहीं करा है अभी, तो लेट्स सी कि कहाँ पे आज का स्टॉप लिया जाएगा। थोड़ा डायनेमिक रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आज राइड करनी है जिससे कि श्रीनगर जल्दी से जल्दी पहुँचे, क्योंकि श्रीनगर इज़ दी हाईलाइट और श्रीनगर में बहुत कुछ प्लान्ड है, आगे के ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा। श्रीनगर का रास्ता बहुत अच्छा होने वाला है। मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, लग रहा है बारिश होने वाली है, पता नहीं, बस मना रहे हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि पानीपत से आगे जाने का भी प्लान है। क्या हुआ, फ्लैशलाइट हम दिखाते हैं यार। लंबी राइड पे निकलो और बाइक में कुछ दिक्कत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी हम लोगों को लग रहा है कि राघव की बाइक का फ्यूज़ उड़ गया है, तो हम लोग वही चेकआउट कर रहे हैं। सीट के नीचे होता है हिमालयन में फ्यूज़ बॉक्स, तो उसी में निकाल के देखेंगे, जिसकी वजह से इसका ना ही इंडिकेटर जल रहा है, ना ही सामने की हेडलाइट जल रही है, ना ही कुछ पैनल में जल रहा है, जो कि एक दिक्कत आ रही है। देखते हैं ये ख़राब है कि नहीं। ये वाला तो सही है, ये जल रही है मेरे जिक्सर की लाइट, जो हमें दिखा रही है थोड़ा बहुत रोशनी। सही है, लाइट जल गई भाई, जल गई, बेहतरीन। अरे ऑटोमोटिव इंजीनियर भाई, बिजनेसमैन के साथ ऑटोमोटिव इंजीनियर, लौंडा तेज है।
बात तो है भाई रात में राइडिंग करने की, इतना सुकून मिल रहा है, लग ही नहीं रहा कि भाई राइड कर रहे हैं, बहुत इजीली राइड कंप्लीट हो रही है। पानीपत पे रुकने वाले थे लेकिन पानीपत पे नहीं रुकेंगे, सोचा है कि अब सीधे चले जाएंगे करनाल तक, और करनाल पे भी अगर मन नहीं हुआ तो वहाँ भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाई हवा जो है वो काफ़ी ठंडी है। दिन वाली वो जो क्रिबिंग थी गर्मी गर्मी गर्मी, वो बिल्कुल भी नहीं महसूस हो रही है। अभी टाइम हो रहा है घड़ी पर 9:17, अनुमान ये है कि 9:45 तक करनाल पहुँच जाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। काफ़ी देर राइड करने के बाद, मतलब लगभग 50-60 किलोमीटर एक्स्ट्रा राइड करी जब मैंने आपको लास्ट बताया था वीडियो क्लिप जो आपने देखी, उसके बाद हम लोग ने करनाल एंटर करा, बहुत सारी होटल एंटरिंग करी, लेकिन फिर हम लोगों को कुछ लोग मिल गए, इतने अच्छे लोग मिल गए, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया, होटल हंट करने में मदद करी एंड ऑल्सो डिस्काउंट भी दिला दिया। फिर वहाँ तक भी बात एंड नहीं होती, भैया हमारे लिए खाना भी लेके आ गए। यहाँ का सबसे फेमस एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, एक वो रात में खुला रहता है, भैया वहाँ से खाना भी लाया। भैया दिखा रहे हो कि भैया कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए, दिस इज समर एंड वी हैव टू चिल, राइट? सो दैट इज द थिंग हियर राइट नाउ। भैया हमको ज्वाइन करेंगे, खाना पीना खाएंगे हम लोग, बहुत सारी बातें करेंगे। भैया ने एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग की राइड भी करी हुई है, तो भैया का भी बहुत राइडिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो इतना ज्यादा हम दोनों से कनेक्ट करे हैं। आज हम लोग निकलते हैं, मैं और राघव अपनी जर्नी श्रीनगर की ओर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से श्रीनगर अप्रॉक्स 600 किलोमीटर का रास्ता है, तो आई डोंट थिंक पूरा करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। कल हम लोग रुके थे, ये होटल है होटल करनाल इन, इसका ये नंबर भी दिया गया है, तो अगर आप रुकना चाहें तो डिसेंट ओवरनाइट स्टे है यहाँ पे। चार्जेस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि चार्जेस भैया ने हम लोग के लिए स्पेशल, हाँ रीजनेबल है, लेकिन भैया ने हम लोगों के लिए कम करा दिए थे। यहाँ पे आप आइएगा, बहुत रीजनेबल चार्जेस मिलेंगे और बढ़िया सा स्टे भी मिलेगा, एसी रूम था। करनाल की गलियों से निकलकर अब हम अपने रास्ते पे आ गए हैं श्रीनगर की ओर, लेकिन यार करनाल ने मेरा दिल जीत लिया है, क्योंकि कल जो इंस्टेंस हुआ है मेरे साथ एज अ ट्रैवलर एज अ राइडर, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था। जब भी कोई एक्स्ट्रा फ्रेंडली होता है हमारे साथ तो हमें लगता है यार कि भाई ये तो हमें ड्यूप करेगा, ये तो हमें बना के सारा लूट के ले जाएगा सामान, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। भैया बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, अच्छा अच्छा गाइड करा उन्होंने, लद्दाख की राइड में भी काफ़ी कुछ उन्होंने इंसाइट्स दिए कि क्या करो क्या नहीं करो, तो काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए मुझे करनाल से तो बहुत प्यार हो गया है। मैं सोच रहा हूँ दोबारा कभी प्लान बनाऊँगा, स्पेशली करनाल आऊँगा और उनसे ज़रूर मिलूँगा और आपको भी दिखाऊँगा, मिलाऊँगा। भाई तुम आ जाओ, बीच में आ जाओ, हैं 172, लुधियाना 186, अमृतसर 327 एंड श्रीनगर है 670। भाई देखो जॉब वाले जो लोग होते हैं ना, वो लीव लेके आ जाते हैं फिर उसके बाद ट्रिप एंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं ये बिजनेस वाले, ये 24/7 बस पैसा ही छापते रहते हैं। भाई इतना बिजी रहते हैं ना, अभी भी ये फ़ोन पे बातें करे जा रहे हैं। हाईवे बड़ा ही स्मूथ सा है, कोई भी आपको रोड ख़राब क्लोजर्स डाइवर्जन्स कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं मिलेगा। ये करनाल से जो हमें ले जा रहा है डायरेक्ट श्रीनगर का हाईवे, काफ़ी मस्त हाईवे है, तो राइडिंग की स्पीड भी बनी हुई है 105-110 की, आराम से राइड कर रहे हैं। अंबाला आपका स्वागत करता है। श्रीनगर तो हो नहीं पाएगा, श्रीनगर तो साइकिल दिखाएगा, तो डिसाइड कुछ ऐसा हुआ है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे रुक के डेयरी पे खा पी लिया है, तो अब रुकने का कोई प्लान नहीं है, अब डायरेक्ट जाएंगे हम लोग पठानकोट की ओर। पठानकोट यहाँ से 4 घंटे दिखा रहा था, तो आई गेस हम लोग कर लेंगे एक ही स्ट्रेच में, अगर नहीं होता तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाकी पंजाब की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि गोविंदगढ़ जगह का नाम है जहाँ पे मैं अभी रुका था, और काफ़ी पंजाबी बोल रहे हैं लोग, काफ़ी बढ़िया लगती है यार पंजाबी सुनने में, समझ में भी आ जाती है लेकिन बोल नहीं पाते। एक लस्सी दे दीजिए, मीठा मीठा, हाँ ये लीजिए। थोड़ा
पंजाब के मैकडोनल्ड में स्वागत है। अभी मेरी पंजाबी टूटी फूटी थी लेकिन यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने लिया है पनीर बर्गर और सबसे पहले यहाँ पे ख़त्म करेंगे खाना। उसके बाद सोचा तो था कि पठानकोट तक जाएंगे लेकिन पठानकोट थोड़ा दूर पड़ रहा है तो प्रॉबली जलंधर में ही होटल लेंगे एंड कल सुबह अर्ली निकलेंगे श्रीनगर के लिए। थोड़ा सा आराम से चला रहे हैं, स्टॉप्स लेके चला रहे हैं क्योंकि इन्जॉय करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे शहर शहर पूरे पार कर जाओ रोड हाईवे पे ही तो कोई मज़ा नहीं रह जाता है। फिर से सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। राघव कैसी जा रही है जर्नी? एक नंबर है, मज़ा आ रही है, बहुत बहुत मज़ा आ रही है चलाने का। मेरी लाइट का कनेक्शन थोड़ा सा लूज़ हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। आई थिंक ये जो मैंने टैंक बैग लगाया हुआ है इससे ये जो स्विच लाइट का मैंने एक्सटर्नली लगाया था ये दब दब के कुछ कनेक्शन लूज़ हो गया है। हेलो हेलो हेलो, एंगल एंड फ्रेम टेस्ट, एंगल एंड फ्रेम टेस्ट, एंगल ऑडियो चेक, एंगल ऑडियो चेक, एंगल। हेलो गाइस, माय नेम इज, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड